श्री भगवान बोले, कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। हे पांडव, जिसको लोग सन्यास कहते हैं तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वह पुरुष अपना ही मित्र है, परंतु जो मन द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को अपने वश में करने में असमर्थ है वह पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु समान है। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष में परमात्मा आत्मरूप से विद्यमान होते हैं। जिसका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर स्थिरता अपना ली है तथा वह मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। जो पुरुष शुभचिंतक, मित्र, बैरी, पक्षपात रहित, मध्यस्थ, धर्मात्मा और पापी पुरुषों में भी समान भाव रखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संग्रह भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। साफ सुथरे स्थान पर जो ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा, पहले कुश घास फिर मृग छाल और उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थित परम मोक्ष को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। दुखों से मुक्ति दिलाने वाला यह योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य
तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले होते हैं। जब पूर्ण रूप से अपने वश में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, तब अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगायुक्त कहलाता है। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे दीपक की लौ स्थिर होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। इस अनंत सुख जो कि इंद्रियों द्वारा अनुभव से परे है तथा शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इसमें स्थिर होकर वह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। जिससे लाभ प्राप्त होने पर उससे अधिक उत्तम कुछ भी प्राप्त न लगे, उस स्थिति में होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। ऐसी स्थिति जिसमें दुख उसे स्पर्श भी न कर सके को ही योग कहते हैं। ऐसे योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थित करके फिर कुछ भी न सोचें। जहां जहां यह चंचल और अस्थिर मन विचरण करता है, वहां वहां से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। जो योगी एकत्व भाव में सभी प्राणियों में स्थित जानकर मुझे भजता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी के दुखों अथवा सुखों को एक दृष्टि से देखता हो, मानो कि वह उसके अपने दुख अथवा सुख हैं, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके द्वारा बताए गए एकत्व भाव वाले योग को समझ नहीं पाया हूँ। मुझे यह स्थिति चिरस्थाई नहीं प्रतीत होती, क्योंकि हमारा मन चंचल है। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल अस्थिर स्वभाव का बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना मैं वायु को वश में करने की तरह कठिन मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे कौन्तेय, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है।
मैं मानता हूँ कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु अपने मन को वश में करके सही उपायों का प्रयोग कर प्रयत्नशील पुरुष को अवश्य योग प्राप्त हो सकता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी योग में श्रद्धा तो है किंतु मन उसके वश में नहीं है, ऐसी अवस्था में वह यदि योग से विचलित हो जाता है तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को प्राप्त करता है? हे महाबाहु, क्या वह साधक ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित व निराश्रित होकर छिन्न भिन्न मेघ की भांति दोनों कर्म अथवा ज्ञान के मार्ग से भटक कर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे संदेह का पूर्ण रूप से निवारण कीजिए, क्योंकि संदेह का निवारण करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग से भटका हुआ साधक पुण्य करने वाले लोकों को प्राप्त कर वहां दीर्घ काल तक रहकर शुद्ध आचरण वाले धनवान के घर जन्म लेता है, अथवा वह साधक ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म लेना संसार में बहुत ही दुर्लभ है। हे कुरु नंदन, वह पुरुष अपने इस नए जन्म में पूर्व जन्म के ज्ञान से संपन्न होकर पूर्ण सिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह साधक भोगों के परवश होता हुआ भी योग की ओर आकर्षित होता है। योग का यह जिज्ञासु वेदों का अनुसरण करने वाले से उत्तम माना जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला साधक सब पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के प्रभाव से पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है, क्योंकि तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। समस्त योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ योगी है।